गजानन बन कर आए, भूख लगी, अहंकार में फूला हुआ था सिंदूर। सिंदूर अहंकार में फूला हुआ था। क्या है भोजन? सिंदूर ने अपनी सभा में बैठ कर कह दिया कि इस बच्चे को भोजन कराओ, जाओ बालक को भोजन कराओ। कभी जिंदगी में किसी को छोटा मत समझा। 70 साल के बूढ़े व्यक्ति का मोबाइल अगर बिगड़ जाता है तो 10 साल का बेटा पोता मोबाइल का फंक्शन सही कर देता है, और 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति अपना मोबाइल सही नहीं कर पाता है। 15 साल का पोता गोदी में बैठकर दादाजी मेरे को दो, क्या हो गया बेटा, देख तो जरा इसमें कॉल अपन उठाओ तो बंद हो जाता है, आवाज ही नहीं आती है। मैंने लगा लगा के देख लिया, तो तेरे पिताजी से भी कहा, पिताजी ने देख लिया, बहू से कहा, बहू ने देख लिया। पोता बोला दादा लाओ मेरे को दो। दादा के पलंग पर बैठा पोता, पांव लंबा, गोदी में दादा के पांव, और बैठ के तकिया से, और 5 मिनट में करके दे दिया, दादा ये देखो चालू हो गया। देखो दादा ने जो फोन पे बात करी, गजब गजब, छोरे को पारे मेरा बाबू इतना जोरदार, तूने मेरा मोबाइल अच्छा कर दिया। तेरे पिताजी से नहीं हुआ, तेरी माताजी से नहीं हुआ, तेरे भाई से नहीं हुआ, और तू 10 साल का 15 साल का और तूने मोबाइल अच्छा कर दिया। कभी कभी ये मत सोचना कि छोटा किसी काम का नहीं रहता, ये अंदाजा लगा कर रखना। घर में बड़े बड़े बर्तन होते हैं पर वो बर्तन कभी कभी काम आते हैं। घर में जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं सबसे ज्यादा काम वो ही आते हैं, इसलिए जो छोटे हैं उनको साथ लेकर चलो। बड़े बर्तन कभी कभी काम आएंगे और छोटे बर्तन, अरे बोलो जम के बोलो जरा, ये बड़े बड़े जो होते हैं ना, ये हम बोलेंगे तुम्हें बुरा लग जाएगा रे बाबा, इसलिए हम बहुत सारी कथा तो गायब कर देते हैं, फिर भी मन करता है कि बोल दो तो अच्छा है, नहीं तो पेट दुखेगा। ये बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं ना, बड़े बड़े नेता होन, ये तो बहुत कम काम में आते हैं। छोटे छोटे बर्तन कार्यकर्ता जो होते हैं इन्हीं से नैया पार हो जाती है, इन्हीं से। छोटे बर्तन, अब बड़ा बर्तन कितना काम आ रहा है, ऊपर से ऑर्डर लिख दिया कलेक्टर साहब ने, नीचे से ऑर्डर कर दिया एसपी साहब ने, उससे नीचे गया एसडीएम साहब, उसके नीचे गया टीआई साहब, और बाकी का जो ये सारा झमेला झेल रहा है वो ऊपर वाले झेल रहा है। ये बेचारे जितने खड़े थे सब छोटे बर्तन थे, तो कथा का पूरा पानी झेल के ले गए छोटे बर्तन। बड़ा बर्तन नहीं, छोटे बर्तन, छोटे को साथ लेकर चलो। कभी ये मत सोचो कि बड़े काम आएंगे, ना ना छोटे भी काम आएंगे। इसलिए हमारा सनातन धर्म में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन सबको एक जगह पर लेकर आते हैं। सनातन धर्म में कोई अलग नहीं, सनातन धर्म में कहा जाता है ये 4 चौकी के 4 पाए हैं, ये है तो हमारा सनातन धर्म टिका हुआ है। छोटे से लेकर बड़े तक सबको साथ कर चलना है। घर में जब कोई काम होता है, फंक्शन होता है, बड़े सोफे पर बैठे रहते हैं, काम तो छोटा ही करता है। मामी जी भोजन ला दूं, काकी जी रोटी ला दूं, पोछा लगा दूं, कपड़े उठा दूं, सामान रख दूं, छोटा काम आता है। छोटे बर्तन हर जगह काम आ जाएंगे, बड़े बर्तन किसी काम के नहीं। शादी में दहेज में तुम्हें इतने सारे बर्तन मिले, दहेज में बड़े बड़े बर्तन मिले, तुमने कितने बर्तन दहेज के आज तक निकाल के रखे, बोलो री जी जी, दहेज के सारे बर्तन निकाले क्या? नहीं, दहेज के सारे बर्तन बोरे में बंद रखे हैं, पर जैसे ही मेहमान ज्यादा बढ़े जब बोरे में से छोटा वाला प्लेट कर लिया तो
छोटी प्लेट निकालना, चम्मच निकालना, जल्दी जा, छोटी प्लेट, छोटी चम्मच, छोटा सामान, छोटी वस्तु निकाल कर लिया है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जितने छोटे बनकर अपनी जिंदगी को जियोगे उतने परमात्मा के करीब बने रहोगे, उतने नजदीक में रहोगे। छोटे बर्तन काम बड़े में। वो एक लाइन बोलते हैं सब लोग, बड़ा हुआ सो जैसे पेड़ पंखी को फल लगे, क्या फायदा छोटे बनकर जिंदगी को जीना, एक आनंद का विषय, आनंद का विषय। सिंदूर ने कह दिया छोटा है, ये छोटे से बच्चे को जाओ भोजन करा दो। गजानन भोजन करने बैठे, सिंदूर ने कह दिया जिमा छोटा सा। अब इनको क्या मालूम था वो छोटा बड़ा भारी था, एक बार में जितना परोसा गया था वो तो एक ही बार की थाली उठा के निपटा गया, दूसरी बार परोसा वो भी खा गए, तीसरी बार परोसा वो भी खा गए, जितना सिंदूर के यहाँ का भोजन था सारा खा गए। द्वारपाल दौड़ कर जाकर बोले सिंदूर महाराज वो तो पूरा खा गया, कुछ नहीं बचा। सिंदूर के मैं राजा महाराजा, क्या कमी, लाओ और दो, वो और खा गया। आखिरी में सिंदूर को लगा मैं पार्वती जी का हाथ पकड़कर इसलिए ला रहा था कि उनके घर में औलाद ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा गणेश जी का प्रागट्य होगा और तेरे प्राण हरेगा। सिंदूर की बुद्धि में आया ये कहीं गणेश तो नहीं है, गणेश तो नहीं। तब सिंदूर उस बालक के साथ में युद्ध करने के लिए आतुर हुआ, और सिंदूर जब बालक के साथ युद्ध करने को आतुर हुआ तब गणेश जी महाराज ने सिंदूर के प्राणों को हरने के लिए जो प्रहार करा अंकुश का, ऐसा प्रहार, तड़पने लगा सिंदूर, तड़पने प्राणों को हरा, रक्त की धार निकली। जो रक्त की धार निकली तो सिंदूर मरते मरते हाथ जोड़कर कहता है मुझे क्षमा करो, मैं ब्रह्मा के मुख से जमाही द्वारा निकला हूं, मेरा नाम सिंदूर है। यम भी मुझसे दूर रहते हैं, आप कृपा करो, दया करो, मेरे शरीर से निकले हुए इस रक्त को, मेरे शरीर से निकले हुए इस भाग को आप अपने तन पर धारण करो गजानन, और वर दीजिए ये सिंदूर जिस जिस स्थान पर होगा वहां यम के दूत भी निगाह न कर सके, ऐसा वर दे दीजिए, ये वर दे, ये अखंडता दे, अखंडता। तुमने मेरी माता का हाथ का स्पर्श किया है? सिंदूर कहते हैं मेरी मृत्यु आपके द्वारा लिखी थी, इसलिए मैं पार्वती माता को लेकर जा रहा था, पर आज मैं सिंदूर गजानन आपके चरणों को मस्तक रख कर ये मांगना चाहता हूं कि जिस नारी के मांग में मस्तक पर यह सिंदूर रहेगा उस नारी का सौभाग्य अखंड रहेगा, ये वर दे दो, अखंड का वर दिया। गजानन आपके तन पर ये मेरा सिंदूर, ये मैं आपके तन पर सदा रहूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान देवाधिदेव महादेव ब्रह्मा विष्णु सब एकाग्रित हो गए
और एकाग्रित होकर सिंदूर को वर के रूप में दिया कि गजानन ही नहीं, जिस भी देवता के संग में सिंदूर तेरा सानिध्य होगा और ये सिंदूर तेरी भी अखंडता रहेगी और यम के दूत उस जगह से दूर रहेंगे। गणेश जी महाराज सिंदूर अपने तन पर धारण कर लिए, वही सिंदूर श्री हनुमंत लाल जी ने भी त्रिता में धारण किया, वही सिंदूर श्री भैरव बाबा ने अपने तन पर धारण करा, क्योंकि विनायक श्री गणेश जी महाराज ने सिंदूर की महत्ता का व्याख्यान वर्णन किया। प्रयास किया जाए